वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हालात किस कदर तेजी से बदल रहे हैं देखने को मिल रहा है। अगर बदल नहीं रही है तो वह मुसलमानों की मानसिकता ज़हनियत अभी भी उसी पुरानी नहज पर हम जिंदा रहना चाहते हैं। सामने दुश्मन हर लिहाज से रोजाना नए नए मनसूबों को अंजाम दे रहा है और हम है कि हमें किसी बात की परवाह ही नहीं है। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद की, जो सरेआम कत्ल किया गया और हमारी सोच पर अफसोस भी किया जा सकता। अतीक अहमद क्या था, कैसा खूंखार अफराधी था, मुजरिम था, कितने मुकदमे थे वगैरह एक अलग मौजू है। पर जिस तरह पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में कैमरे के सामने उसका कत्ल अंजाम दिया गया और खास पैटर्न जय श्री राम का नारा भी इस वक्त लगा दिया गया, अब सभी जानने लगे हैं कि अतीक का कत्ल पहले से ही लिखी एक कहानी थी और इस कहानी का पहला पन्ना उस वक्त ही लिखा गया था जब योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिला देने की बात असेंबली में कही थी। पहले बेटे का फर्जी एनकाउंटर कराया गया, फिर अतीक और उसके भाई का कत्ल किया गया। पहले इस वीडियो को सुनते हैं जिसमें अशरफ ने संदेशे को जाहिर किया था कि किसी बहाने जेल से बाहर लाकर मार दिया जाएगा। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है, हाँ, कि दो हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे, हाँ, और निपटा देंगे। जैसे अभी आपने सुना वैसे ही हुआ। इसका मतलब इस कत्ल में सीधे योगी आदित्यनाथ मुलव्विस होने की दलील कह सकते हैं। खैर इसके तफसीलात में जाना नहीं चाहता। आप जब मुस्लिम पहचान पर ही हमले करते हुए जान से मारने के फैसले लिए जा रहे हो, अदालत कानून न्याय व्यवस्था का किसी तरह का दखल ना हो, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हो और मीडिया पुलिस के सामने ही किसी शख्स को मार दिया जा रहा है, आखिर क्या पैगाम यूपी पुलिस देना चाहती है? अतीक अहमद कोई मामूली शख्स नहीं था, उसी आवाम ने उसे चुना था। 5 मरतबा MLA, 1 बार MP था। वो गुनहगार था, ये महज मीडिया ट्रायल चलाने से तो काम नहीं बनता। जब आवाम ने उसे नुमाइंदा चुना था तो कुछ अच्छाइयां भी तो रही होंगी। अब दूसरा पहलू भी देख ले कि तकरीबन भाजपा के सभी MLA पर कितने संगीन जुर्म आयद किए गए। तो क्या भाजपा के MLA MP दूध के धुले हैं? तकरीबन भाजपाइयों पर संगीन जुर्म आयद किए जा चुके हैं। जो सुबह शाम अतीक अहमद को माफिया के कत्ल की कहानी बताई जा रही है, मौजूदा दौर का बेगैरत मीडिया भी हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। खैर इस कत्ल से मुस्लिम समाज को क्या सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अब तो कुछ भाजपा के लोग मुस्लिम माफिया को मारने की बात खुलकर कर भी रहे हैं। ये बात अलग है कि पुलवामा पर जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके सत्येंद्र पाल मलिक ने मोदी हुकूमत की ही पोल खुली तो चर्चा का मौजू भी पुलवामा न हो इसके लिए अतीक को ही मरवाने की बात कही जा रही है। खैर वजह जो भी हो, चाकू तरबूजे पर गिरे या तरबूजा चाकू पर गिरे, कटना तो तरबूजे को ही है कि तरह निशाने पर तो मुसलमान ही होंगे। लेकिन इस समाज की खसूसियत भी अजीब है, इसे सड़क पर मुसलमान होने की बुनियाद पर गोली से मारो, इसे किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अतीक का कत्ल कोई मामूली वारदात नहीं थी, कुछ भी किससे कहानी सुनाई जाए, लेकिन मुसलमानों के दिलों में डर खौफ पैदा करने के लिए ही इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। अब थोड़ा हमारी कैफियत पर भी नजर डालते हैं और उसमें भी खासकर बेलगाम के मुसलमानों पर एक नजर। रियासत कर्नाटक के चुनाव 10 मई को हो रहे, रमजान का मुबारक महीना रुखसती ले रहा है, जुमा मस्जिद का खुट ओवरफ्लो है, होटल के कट्टों पर बैठकर खाने वालों की भीड़ तक देखी जा रही है, मौलाना जकात के फजाइल बयान कर रहे हैं, इदारे वालों को भी चंदे की जरूरत है, कुछ सफीर तो नेपाल बांग्लादेश के बॉर्डर से आ रहे हैं, कुछ लोगों के पास तो दो दो रसीट बुक भी पकड़े जा रहे हैं, कुछ लोग रमजान से पहले ही अपने फैमिली को लेकर उमरा का सफर पर हैं, बाकायदा हर रोज सेल्फियां भी सोशल मीडिया पर अपलोड हो रही हैं, रमजान के आखिरी अयाम हैं, ताक आते हैं और पूरी नौजवान नस्ल दरबार गली में सुबह तक घूमती रहती है। मतलब इस कौम को हालात से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोगों को तो इलेक्शन एक सीजन की तरह होता है, अचानक कौमी हमदर्द भी इस वक्त पैदा होते हैं जिन्हें कौम के आड़ में अपना मुफाद हासिल करना होता है। अब तो किसी साहूकार के खिलाफ बोलकर कुछ फायदा भी नहीं है, क्योंकि जब कौम के कुछ लोग सरकश बन ही जाते हैं तो किसी और को दोष देकर क्या फायदा। कुछ लोग अपनी शर्तों के साथ सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, पर सवाल यही उठता है कि क्या इस वक्त तमाम बातें जरूरी हैं? अगर एक मुस्लिम नुमाइंदे की सीट जीत रही है तो आखिर इसमें रुकावट डालकर आखिर क्या हासिल कर रहे हो, जबकि उसी के मोहल्ले में उसकी नहीं चलती और आवाम उसकी बात क्यों कर सुने। जरूरत है तमाम गिले शिकवों को पसे पुष्ट डालकर बेहतर नुमाइंदों को जिताने की कोशिश करें। लेकिन हमारी सोच बहुत छोटी है, हम अपने नफ्स की खातिर छोटी गलती को बड़ा बनाकर अवाम के सामने उसे कौमी मसला बनाकर पेश करते हैं ताकि अपनी दुश्मनी निकालने के लिए कुछ और हिस्सेदार बनाए जाए। ऐसा नहीं कि गुज़िश्ता वक्त में किसी तरह की गलतियां इन नुमाइंदों से नहीं हुई है, लेकिन गलती का बार बार जिक्र दोहराने से हल तो नहीं निकल सकता।
कौमी सतह पर फायदे को देखकर फैसला लेना पड़ता है। जहां मुसलमानों को सड़कों पर गोलियों से भून दिया जा रहा हो, जहां मस्जिदों दरगाहों के मीनारों पर भगवा परचम लहराया जा रहा हो, इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा हो, ऐसे वक्त में इज्तमाई मुफाद को सामने रखकर फैसले लेने होंगे। वरना तो वो वक्त दूर नहीं जब किसी को सरे राह गोलियों से भून दिया जाएगा और मरने वाले को माफिया जाहिर किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ और हिंदुत्व ब्रिगेड पुलवामा की कहानी को खारिज करने के लिए या तो उस पर पर्दा डालने के लिए आतिक कांड को अंजाम दिया। इसके आगे ऐसा भी दौर आ सकता है कि गोलियां तो एक समुदाय पर ही चलती रहेंगी, लेकिन किसी वजह की उस वक्त जरूरत नहीं होगी और किसी की पूछने की हिम्मत भी नहीं होगी। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर मत तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है और फिर वे कहती है इसी हाल हो रहा है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? तकलीफ में हो ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। आज मुझे इलाहाबाद में धमकी दी गई है कि दो हफ्ते के अंदर तुम्हें फिर से जेल से किसी बहाने से निकालेंगे और निपटा देंगे।